कुछ हाथ पैर चलाओ, अपने बाप की तरह आदत मत डालो। क्या क्या कहा तुमने? कहा कहा हाथ पांव चलाऊं? जहां जाता हूं दूसरे दिन आने के लिए कहते हैं और दूसरे दिन मिलना पसंद नहीं करते, क्या करूं मैं? देखो जो भी घर में खाने को था वो सब खत्म हो गया है। हाँ तो क्या करूं? डाके डालूं? चोरियां करूं? क्या करूं मैं? कुछ नहीं कर सकते तो पेट पर पत्थर बांधो, नहीं तो अपने हाथों से मेरा गला दबा दो। बस किन गुनाहों की सजा मिल रही है मुझे? पता नहीं किन गुनाहों की सजा मिल रही है। अरे अजीत बेटा, अपनी माँ को बोल के एक कप चाय का दे दे। बड़े मियाँ, ये हुकुम चलाना बंद करो, बस अब बहुत हो गया। मैं तुम्हारी बहू हूँ, नौकरानी नहीं। अरे बेटा, मैंने कौन सा तुम्हें नौकरानी समझा और कौन सा हुकुम चलाया? एक कप चाय का मांगा था बेटा। तू उठ यहाँ से, तुम्हारे दिन रात की खाओ की वजह से मेरे बच्चे पर बुरा असर पड़ रहा है। अरे बेटा, खुदा का खौफ कहो बेटा, खुदा का खौफ। अरे जाओ, हमें माफ करो। क्या हो गया, क्या मुसीबत है? बाहर मोहल्ले तक आवाज जा रही है, आखिर हुआ क्या है? अरे बेटा, मैंने तुम्हारी बीवी से एक कप चाय का मांगा था। बस बस, बेटे के आते ही ड्रामेबाजी शुरू हो गई। सोबिया सोबिया, क्या कह रही हो तुम? अब्बा जी, कैसी तबीयत है आपकी? वाह वाह वाह, बाप बेटे की कहानी शुरू हो गई। बस मैं और जब्त नहीं कर सकती, इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगी। और तुम भी कान खोल कर सुन लो, या तो इस घर में आज से ये रहेंगे या हम, समझे तुम? और चल तू भी यहाँ से, मगर अब नहीं देखो मैं कहाँ कहूँगी साथ तुम्हें। अब्बा जी, अरे बेटा, मुझे पता है बेटा कि तू मजबूर है, इसके बाप ने ही तुझे नौकरी पे लगवाया, लेकिन मेरी बात का यकीन कर बेटा, मेरा कोई कसूर नहीं था, मैंने सिर्फ एक कप चाय का मांगा था बेटा। अब्बा जी आप इत्मीनान रखें, सब ठीक हो जाएगा। खुदा के लिए बेटा, मेरा कोई और बंदोबस्त कर दे बेटा, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ बेटा। भाई, अब्बा जान बुला रहे हैं आपको। अच्छा। अरे मियाँ, असद के आजकल कामकाज पे नहीं जा रहे हो, और ये हुलिया क्या बना लिया तुमने अपना? चाचा, नौकरी तो खत्म हो गई है और अरसे भी सर पर चढ़ गए, अब तो चाचा फाकों की नौबत आ गई। चाचा, अल्लाह तुम्हारी मुश्किल को आसान करे बेटा। वो तुम्हारे अब्बा का है, कई दिनों से नजर नहीं आए। चाचा वो उन्हें चाचा दारू नमान छोड़ा है। दारू नमान? क्या कह रहे हो तुम? चाचा ये सब सूबिया। चाचा जैसा वो कहती है मैं कर लेता हूं, ये सब उसी की वजह से हुआ है। और तुम मुन्ने की तबीयत भी खराब रहती है। बच्चे की तबीयत ठीक नहीं रहती तो कितनी तकलीफ हो रही है,
और जिसने इस बच्चे को इतना बड़ा किया उसे ये घर छोड़ते हुए कितनी तकलीफ हुई होगी ये सोचा तुमने? वो किस कर्म में होगा उस दारुल अमान में तन्हा? अरे बेटा, वालदैन तो अल्लाह की रहमत है, उनकी खिदमत में अजमत है इस दुनिया में भी आखिरत में। रब्बे करीम ने कुरान मजीद में फरमाया है कि जब तुम्हारे वालदैन बुढ़ापे को पहुंच जाएं तो उन्हें उफ ना कहो। ये हुक्म इलाही भी है और ये इबादत भी है। जाओ बेटा जाओ, उन्हें मना लो कि शायद इसीलिए अल्लाह ताला तुमसे नाराज है, और जब रब्बे करीम नाराज होता है तो रोजी के दरवाजे बंद हो जाते हैं। जाओ उन्हें पैर पकड़ के ले आओ और उनकी खिदमत करो बेटा, फिर देख मेरे रब्बे करीम की रहमतों की बरसात देखना। जा बेटा जा, उन्हें मना ला।